प्रिज्म फॉर्मूला बेसिकली इस ग्लास प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का फॉर्मूला है। तो इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है और वो चीज है मिनिमम डेविएशन। मिनिमम डेविएशन, डेविएशन को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? बाय टर्म डेल्टा। और मैं बात कर रहा हूं किसकी? मिनिमम डेविएशन की। मिनिमम डेविएशन का मतलब है कि अगर आप कोई भी डायग्राम देखें उसमें ये एंगल क्या है? डेविएशन का एंगल है। मैं ये चाहता हूं कि मैं एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करूं कि जिसमें मैं आई वन को चेंज करूं, आई वन मेरी मर्जी, मैं 45 डिग्री रखूं, 30 रखूं, 20, वो मेरी मर्जी है। मैं ये चाहता हूं कि डेल्टा कम से कम आए, डेल्टा की वैल्यू कम से कम आए। और अगर डेल्टा मिनिमम चाहता हूं तो जो रिजल्ट मैं बताने जा रहा हूं ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, मैं प्रूव नहीं कर रहा इसे, आप एक्सपेरिमेंट करेंगे यही रिजल्ट आएगा। क्या आएगा? इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन ये एंगल और ये एंगल बराबर होते हैं, यानी कि जितने एंगल पर लाइट इंसिडेंट की जा रही है उतने ही एंगल पर लाइट एमर्ज भी होगी। तो आई वन की वैल्यू क्या होगी? आई टू के इक्वल होगी। क्या ये पॉइंट क्लियर है? आई वन आई टू के इक्वल, एंड ये जो एंगल है आर वन वो आर टू के इक्वल होगा। ये कंडीशन है फॉर मिनिमम डेविएशन। तो आप लिख लें अपने फॉर्मूला के रजिस्टर में, इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन, न्यूमेरिकल में दिया जाता है कि मिनिमम डेविएशन का केस है, इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन आई वन आई टू के इक्वल है और आर वन आर टू के इक्वल है, तो ना भी गिवन होगा। और अगर मिनिमम डेविएशन मेंशनड है तो ये तो आप लगा ही सकते हो इसमें। सही यहां तक? ठीक। एक और चीज मिनिमम डेविएशन की खास बात यह है कि जब भी आपको मिनिमम डेविएशन का केस देगा तो ये रे देख रहे हो जो प्रिज्म के अंदर है वो रे इस रे के पैरेलल ही आएगी। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है, चार प्रिज्म के डायग्राम बने होंगे, कहेगा मार्क करो करेक्ट ऑप्शन फॉर मिनिमम डेविएशन। तो जिसकी जो ये और ये बेस अगर पैरेलल है यानी कि पक्की बात है मिनिमम डेविएशन का केस है, और तीन ऑप्शन में ये पैरेलल कभी गिवन नहीं होंगे तो मिनिमम डेविएशन का केस नहीं है। तो कर लोगे मार्क मिनिमम डेविएशन में ये दोनों रेज पैरेलल हैं, बेस के साथ पैरेलल जाएगी रे, याद रखना आपने इसमें, तो ऑब्जेक्टिव के अंदर मार्क करने को आएगा। नेक्स्ट है इसमें, अब क्योंकि हमने ऊपर रिजल्ट किया था आर वन और आर टू का सम क्या था, रिफ्रैक्टिंग एंगल का सम क्या था, ए के इक्वल था, लेकिन मिनिमम डेविएशन में आर वन और आर टू तो बराबर है आर, तो आर प्लस आर क्या है ए, तो यहां से आर की वैल्यू क्या आ गई? ए बाई टू। तो ये मिनिमम डेविएशन में लगता है, हर में नहीं लगता, तो आर की वैल्यू ए बाई टू। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि डेल्टा क्या था, आई वन प्लस आई टू माइनस ए, मिनिमम डेविएशन के केस में आई वन आई टू बराबर कर दिए टू आई, ए इधर चला गया तो आई की वैल्यू क्या आ गई? मिनिमम डेविएशन प्लस ए बाई टू। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नेल लॉ से होता क्या है, साइन आई बाई साइन आर, आई की जगह ये पूरी की पूरी वैल्यू पुट कर दी और आर की जगह ए बाई टू पुट कर दिया। इस फॉर्मूले को क्या बोलते हैं? प्रिज्म फॉर्मूला, जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के काम आता है। फॉर्मूला रजिस्टर में इसे नोट कर लें, लेकिन ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ तभी लगेगा जब मिनिमम डेविएशन दी होगी। अगर क्वेश्चन में मिनिमम डेविएशन नहीं गिवन, ये फॉर्मूला मत लगाना, तो फिर ऊपर जो आपने किया वही लगाना ए पार्ट में। ठीक है यहाँ तक? तो प्रिज्म फॉर्मूला सिर्फ मिनिमम डेविएशन केस में ही एप्लीकेबल है। नेक्स्ट है, ये ग्राफ प्लॉट करने को आता है जेई मेंस के प्रीवियस ईयर में, आपको मार्किंग करने को आएगा या आप प्रीवियस ईयर में देखेंगे नीट में, मेंस में, एनसीईआरटी, हर जगह, कि डेविएशन का एंगल ऑफ इंसिडेंस से क्या लेना देना है। आप प्रिज्म में जब लाइट को एंटर करवाते हो, अलग अलग आई पे एंटर करवाओ, अलग अलग डेल्टा की वैल्यू आएगी, लेकिन आई और ई एंगल ऑफ इंसिडेंस और एमरजेंस आई वन आई टू के इक्वल होता है। यहाँ पर आई टू का मतलब ई है, आई वन का मतलब इसमें आई है, तो अगर ये बराबर होंगे तो डेविएशन क्या रहेगी? मिनिमम, मिनिमम डेविएशन। इसके यहां और यहां
ऐसा ग्राफ बनेगा। तो ये ग्राफ ध्यान से देख लो, ये स्ट्रेट वे मार्क करने को आता है, इंपॉर्टेंट है इसकी, ये याद कर लो ग्राफ की वेरिएशन। ठीक है यहां तक?